नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उल्का सागर विद्या भवन में आपका स्वागत है। मैं एकता कुकड़िया और मेरा विषय है हिंदी। और आज हम सीखेंगे कक्षा सातवीं का इकाई दो, तब याद तुम्हारी आती है। यह एक काव्य गीत है। तब याद तुम्हारी आती है काव्य के कवि का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी का अब हम परिचय देखते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1879 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए आदि प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16 जनवरी 1992 को हुआ था। सुबह का वातावरण बहुत ही खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इनका सुंदर चित्रण, सुंदर वर्णन किया गया है। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य सीखते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, सुबह यानी प्रातःकाल अथवा प्रभात। इस कविता में कवि कहते हैं कि जब चिड़िया जल्दी उठकर कुछ इस तरह चहचहाने लगती है जैसे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कवि कहते हैं कि फूलों की कलियां भी अपनी पंखुड़ियां खोलकर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू यानी सुगंध। कवि कहते हैं कि फूलों की कलियों में से उसकी खुशबू बाहर निकलकर जब चारों ओर फैलने लगती है, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। तब इस सृष्टि की रचना करने वाले हे ईश्वर प्रभो यानी ईश्वर, तब याद तुम्हारी आती है। यह सब प्रकृति के दृश्य देखकर मुझे आपकी याद आती है। आगे देखते हैं। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में छमछम कर जब बारिश की बूंदे गिरती है और चमचम कर बिजली चमकती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब मैदानों में, वनों में और बागों में चारों ओर हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। कवि कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा पता नहीं कहीं से अपने साथ ढेर सारी मस्तियां लेकर आती है, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभो, सृजनहार यानी रचना करने वाले, हे सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, यह सब प्रकृति के दृश्य देखकर मुझे तुम्हारी याद आने लगती है। देखा विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य को हमने हिंदी में समझा। अब हम इस काव्य को गुजराती में समझने का प्रयत्न करते हैं। इस काव्य का अनुवाद देखते हैं। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जारे वहली सवारे पक्षियों उठीने अथवा चकलियों उठीने
कंक खुशीना गीतों गावा लागे छे। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। फूलोनी कलियों जारे पोतानी पाखड़ीओ खोली अने आ दुनिया उपर स्मित करवा लागे छे। खुशबू के लहरे जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। सुगंधनी लहरों जारे फूलों माथी निकली अने चारे तरफ फैलावा लागे छे। हे जग के सिर्जनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। त्यारे हे सृष्टि ने रचना करनार ईश्वर मने तमारी याद आवे छे। आगळ जोईए। जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। ज्यारे वर्षा ऋतु में छमछम करता वरसादना टीपा नीचे पड़े छे अने चमचम करीने वीजली चमके छे। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है। ज्यारे मैदानों वनों अने बगीचाओं में चारे तरफ हरियाली लहरावा लागे छे। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ज्यारे ठंडो ठंडो पवन पोतानी साथे भरपूर मस्ती लईने आवे छे। हे जग के सिर्जनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। त्यारे हे सृष्टि ने रचना करनार ईश्वर मने तमारी याद आवे छे। इस काव्य को हमने हिंदी और गुजराती दोनों में सीखने का प्रयत्न किया। चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम अभ्यास का कुछ प्रश्न सीखते हैं। अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। अभ्यास का प्रश्न एक, पहला, सुबह होते ही क्या क्या होता है, उसका उत्तर देखते हैं। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। दूसरा प्रश्न, मैदानों में हरियाली कब लहराती है, उसका उत्तर देखते हैं। मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। तीसरा प्रश्न, आपको प्रभु की याद कब आती है, उसका उत्तर देखते हैं। तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो, चौथा प्रश्न का उत्तर देखते हैं। मैं सुबह उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़ते हैं और अखबार घर घर अखबार देने वाला व्यक्ति घर 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 अखबार पहुंचाने लगता है। अब विद्यार्थी मित्रों, हम स्वाध्याय का प्रश्न एक देखते हैं। पहला प्रश्न, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। चिड़िया खुशी के गीत सवेरे जल्दी उठकर गाती है। दूसरा प्रश्न, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं और कलियां खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है, इस प्रकार सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है, उसका उत्तर देखते हैं। वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगने लगती है, सूखे पौधे हरे हो जाते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है,
उनके हर पत्तों की शोभा बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? वर्षा ऋतु आने पर मैदान में हरी घास उगती है, खेतों में हरी फसलें लहलहाने लगती है, हरे भरे पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर जहाँ देखो वहाँ हरियाली छा जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको अभ्यास का प्रश्न एक और स्वाध्याय का प्रश्न एक दोनों प्रश्न अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है।